रोहित की जगह हार्दिक को क्यों बनाया गया कप्तान, एमआई के हेड ने बताई असली वजह। दोस्तों, आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी टीम में बड़े बदलाव देखने को मिले। आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने ऑल कैश डील के साथ गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की अपने टीम में वापसी कराई। आपको याद दिला दें कि हार्दिक पांड्या ने आईपीएल का करियर मुंबई इंडियंस के साथ ही शुरू किया था और 2021 तक वो मुंबई इंडियंस की ओर से ही खेलते थे। हार्दिक को मुंबई इंडियंस में वापस लाने के कुछ समय बाद ही उन्हें कप्तान भी नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद से मुंबई इंडियंस की टीम में फूट की भी खबरें आई। दरअसल टीम के सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव की सोशल मीडिया पोस्ट से भी इस बात का अंदाजा लगाया गया कि मुंबई इंडियंस खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को नया कप्तान नियुक्त करने का फैसला क्यों लिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर फ्रेंचाइजी की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया था, लेकिन इस मुद्दे पर मुंबई के हेड कोच मार्क बाउचर ने अब खुलकर बात की है। दरअसल मार्क बाउचर ने एक पॉडकास्ट में कहा कि मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से क्रिकेटिंग फैसला था। हमने विंडो पीरियड देखा और हार्दिक पांड्या को खिलाड़ी के तौर पर वापसी कराने के बारे में सोचा। मेरे हिसाब से ये ट्रांजिशन फेज है। भारत में बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं। लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपको इमोशन को इससे दूर रखना होता है। मुझे लगता है कि इससे रोहित खिलाड़ी के तौर पर अपना बेस्ट दे पाएंगे, वो मैदान पर जाएं और कुछ बड़े स्कोर टीम के लिए बनाएं। मार्क बाउचर ने आगे कहा, रोहित के साथ एक जो सबसे अच्छी बात है कि वो शानदार आदमी है, मतलब वो काफी समय से कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, अब वो इंडियन क्रिकेट टीम की भी कप्तानी करते हैं। हमने जब मुंबई इंडियंस ग्रुप से इस पर चर्चा की तो सबने कहा कि इससे रोहित खिलाड़ी के तौर पे अपना बेस्ट दे पाएंगे। वो इंडियन टीम के कप्तान हैं तो उनको कप्तानी से हटाने को लेकर विवाद होना लाजमी था, लेकिन इस बार जब वो आईपीएल 2024 में खेलने उतरेंगे तो उनके सिर से कुछ दबाव जरूर कम रहेगा। दोस्तों, हेड कोच मार्क बाउचर की इस बात से आप कितना सहमत हैं और मुंबई की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है वो कितना सही है और कितना गलत, हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इस मामले में एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं पीछे रखा जा रहा है।